जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा मेथड जिसे यूज करके हम लोग अपने बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली और इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस 14 प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं जिसे लिखा है हेनरी फ्यूल ने। दोस्तों हेनरी फ्यूल का जन्म 29 जुलाई को 1841 में टर्की के इस्तांबुल में हुआ था। दोस्तों इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की स्टडी की थी। सिर्फ 19 साल की एज में ये फ्रांस में एज अ माइनिंग इंजीनियर काम करते थे। धीरे धीरे दोस्तों ये एक सक्सेसफुल मैनेजर बन गए। उसके बाद इनके अंडर में 1000 इंप्लॉय काम करने लगे। दोस्तों उन्होंने अपने एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन का एकदम क्लोज ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उन्होंने 1916 में एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और दोस्तों इसी बुक में उन्होंने अपने इस 14 प्रिंसिपल को लिखा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके प्रिंसिपल की वन बाय वन इन डिटेल। इस 14 प्रिंसिपल को आसानी से याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अज्यूम करो कि आप अपने डैडी से एक क्वेश्चन पूछते हो, डैड यू सी यूएसएसआर, और आपके डैडी आंसर देते हैं ओ आई सी। दोस्तों इसी क्वेश्चन और आंसर में हमारे 14 प्रिंसिपल का ट्रिक छुपा हुआ है। तो आइए हम इसको वन बाय वन समझते हैं। सो डी स्टैंड फॉर डिविजन ऑफ वर्क, ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी डिसिप्लिन, यू यूनिटी ऑफ कमांड, सी सेंट्रलाइजेशन, यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, एस स्केलर चेन, आर रेम्यूनरेशन। इसके बाद ओ आई सी, ओ ऑर्डर, आई इनिशिएटिव, एस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ई इक्विटी, ई एस्पिरिट दे कॉप्स। आइए दोस्तों लोग वन बाय वन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, डिवीजन ऑफ वर्क। दोस्तों ये प्रिंसिपल हमें ये सजेस्ट करता है कि हमें अपने वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कैमरामैन का अलग काम होता है, एक्टर का अलग काम होता है, डायरेक्टर का अलग, प्रोड्यूसर का अलग, राइटर का अलग। दोस्तों इससे होता यह है कि ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है। अलग अलग बंदों को उनके एक्सपर्ट और एबिलिटी के हिसाब से वर्क को असाइन कर दिया जाता है, जिससे वो लोग अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दोस्तों हमारा वेस्टेज कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। दोस्तों आप लोगों ने क्लास में देखा होगा जब टीचर को कभी कुछ काम पड़ जाता है तो टीचर किसी बच्चे को खड़ा करके बोलती है कि आप क्लास मॉनिटर करोगे, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी बच्चा मस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने डिसीजन ले सके, अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा सके। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि दिया गया काम वो दिए हुए टाइम के अंदर करके दिखाए, नहीं तो इसके लिए उसे ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो दोस्तों अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा डिसिप्लिन। दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों के लिए सेम होना चाहिए। इससे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। दोस्तों अगर डिसिप्लिन प्रॉपर रहा तो इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट होती है, जो बिजनेस के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। दोस्तों डिसिप्लिन भी टू टाइप्स के होते हैं, वॉलंटियर डिसिप्लिन एंड कमांड डिसिप्लिन। वॉलंटियर डिसिप्लिन में एम्प्लॉय सारे रूल्स एंड रेगुलेशन खुद ब खुद फॉलो करता है, जबकि
कमांड डिसिप्लिन में रूल्स और रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताए जाते हैं और सारे एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब सिंगल, कमांड का मतलब ऑर्डर। तो दोस्तों एम्प्लॉय को सिंगल बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही एम्प्लॉय को दो बॉस से ऑर्डर मिलेगा दोस्तों ही विल गेट कंफ्यूज्ड। इससे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपको घर में मम्मी बोलती है बर्तन धोने और पप्पा बोलते हैं कपड़ा धोने, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सेम उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बॉस से एक ऑर्डर मिलना चाहिए जिससे अपने एम्प्लॉय को पता होगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान इन द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट में 10 इंप्लॉय काम करते हैं तो उन सभी इंप्लॉय का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और मैनेजर को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेम डायरेक्शन देना चाहिए। दोस्तों मैनेजर को उन इंप्लॉय को डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्शन नहीं देना चाहिए।